Hello students, myself Aishwarya from Citizen School and I am back again to teach you something new in GK subject. तो अब हम GK में हमारा chapter number 24 Importance Day of India. Important day मतलब ऐतिहासिक दिन जिसको हमें याद रखना है वो वाले day. तो कौन कौन से वो हम जानेंगे. Here are some important dates which we celebrate fill in the blanks by writing the names of the days by which they are celebrated. तो मतलब क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस डे की डेट दी हुई है. तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंस डे है, तो डेट के अकॉर्डिंग हमें वो डे के नाम लिखने हैं. तो हमें जो पिंक बॉक्स दिया है वो हमारा हेल्प बॉक्स है, उसकी हेल्प से हमें उनके नाम लिखने हैं डेट के अकॉर्डिंग. तो चलो देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट पिक्चर पे क्या लिखा है, कौन सी डेट लिखी है वहाँ पे, 26 जनवरी. तो आपका पिक्चर देख के पता चल रहा है कि 26 जनवरी को क्या होता है. यस, 26 जनवरी को कौन सा डे होता है, रिपब्लिक डे. कौन सा डे, रिपब्लिक डे. तो आपको फर्स्ट नंबर पे लिखना है रिपब्लिक डे. तो अब नेक्स्ट पिक्चर पे कौन सी डेट लिखी है, नंबर टू पे, 13 जनवरी. 30 जनवरी को क्या होता है, 30 जनवरी को मार्टियर्स डे होता है. मार्टियर्स डे मतलब शहीद दिवस, जहाँ पे जो कुछ बड़े नेता हो, जिसकी डेथ हो गई हो, उसको हम मार्टियर्स डे मतलब शहीद दिन बोलते हैं. तो आपको नंबर टू पे मार्टियर्स डे लिखना है. नेक्स्ट ये वाला पिक्चर नंबर थर्ड देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में कौन सा है, ऊपर लिखा है साइंस एग्जीबिशन पिक्चर के अंदर, है ना, और नीचे डेट लिखी है 28 फरवरी. मतलब क्या होता है वहाँ उस दिन, नेशनल साइंस डे. तो आपको नंबर थ्री पे लिखना है नेशनल साइंस डे. ये वाला पिक्चर कौन सा है, आपके फोर्थ नंबर का पिक्चर दिखाई दे रहा है कुछ, वहाँ पे कौन सी डेट लिखी है, 14 अप्रैल. तो उस दिन क्या होता है, अंबेडकर जयंती. तो आपको नंबर फोर पे लिखना है अंबेडकर जयंती. नेक्स्ट ये कौन सा पिक्चर है, आपका पेज नंबर फाइव पे देखो, आपकी बुक में कौन सी डेट लिखी है, 15 अगस्त. 15 अगस्त को क्या होता है, किसी को पता है, सबको पता है, उस दिन क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे. तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में नंबर फिफ्थ पे क्या लिखना है, इंडिपेंडेंस डे. ये पिक्चर कौन सा दिख रहा है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हैप्पी टीचर्स डे. तो आपकी टेक्स्ट बुक में कौन सी डेट डाली है वहाँ पे, 5 सितंबर. तो आपको नंबर सिक्स पे क्या लिखना है, टीचर्स डे. चलो ये वाला पिक्चर कौन सा है, आपकी टेक्स्ट बुक पे नंबर सेवन पे कौन सी डेट डाली है, 2 अक्टूबर. तो 2 अक्टूबर को क्या होता है, हमें छुट्टी होती है ना, पर कौन से दिन की छुट्टी होती है, गांधी जयंती. 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती. आपको नंबर सेवन पे लिखना है गांधी जयंती. चलो अब ये वाला पिक्चर कौन सा है, आपके टेक्स्ट बुक में 8 नंबर वाला पिक्चर कौन सा है, वहाँ पे कौन सी डेट डाली है, 8 अक्टूबर. तो 8 अक्टूबर को क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स डे मतलब वायुसेना दिवस. तो आपको आपके 8 नंबर पे इंडियन एयरफोर्स डे एयरफोर्स लिखना है, ब्रैकेट में वायुसेना, ब्रैकेट क्लोज करके डे लिखना है. ओके चलो अब लास्ट पिक्चर नंबर 9 कौन सा है, वहाँ पे 14 नवंबर लिखा है. तो 14 नवंबर को क्या होता है, यस 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है. तो उस दिन किसकी बर्थडे होती है, आपको याद है, हमने सीखा था फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकंड स्टैंडर्ड में, यस पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थडे है. उस दिन को हम कौन से डे के तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रंस डे. तो ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, जिसके लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी.